अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। शटर वन पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज कुछ घर का सामान खरीदने के लिए जा रहा हूँ और ये सामान थोड़ा सा स्पेशल है, तो ये हर जगह से नहीं मिलता, इसके लिए एक स्पेशल शॉप है, उसके लिए हमें स्पेशल शॉप पे ही जाना पड़ेगा। तो चलो आओ चलते हैं अपना कुछ थोड़ा सा स्पेशल सामान स्पेशल शॉप से लेने के लिए। तो लेट्स मूव। अभी हम अपनी मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। मार्केट में देखें तो अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे थोड़ा सा शाम का वक़्त आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी चुनौनक महसूस हो रही है, लोगों को आना जाना हो रहा है, वरना सारा दिन लॉकडाउन की वजह से जो है ना मार्केट तो बहुत ज़्यादा आना जाना लोगों का नहीं रहता। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, शाम का वक्त आता है, तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रौनक हो रही है सड़कों पर। अभी तो कुछ कह लें कि स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से अभी काफ़ी जो है लोग ज़्यादा घरों से बाहर नहीं निकलते, वरना इस टाइम बहुत अच्छा बाहर रौनक ये एरिया है और बड़ी अच्छी रौनक होती है यहाँ पर। ये है जी SKM स्कूल आपके बंगसान मलेशिया, यानी के प्राइमरी स्कूल, ठीक है जी। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, बहुत बड़ा है, लेकिन स्कूलों का मयार यहाँ पे बिल्डिंग्स का स्पेशली बहुत अच्छा है। पढ़ाई तो इनकी कहने के तमाम तर पढ़ाई इनकी अपनी ज़ुबान में है, मलेशियन ज़ुबान में है। इंग्लिश मीडियम वाला चक्कर बहुत कम है, ना होने के बराबर है। और यहाँ पर एडमिशन स्पेशली एडमिशन लेने के लिए फॉरनर को काफ़ी तगड़ो करनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत क्राउडेड स्कूल है। यहाँ पे लोकल स्टूडेंट इतना ज़्यादा है कि फॉरनर स्टूडेंट को जगह मिलने का बहुत कम चांसेस होते हैं। और अभी हम सिग्नल पे आ गए हैं, वेट करेंगे, जैसे सिग्नल हमारा ऑन होगा तो यहाँ से निकलेंगे फिर अपने रास्ते पे। और ये हमारा सिग्नल ऑन हो गया है और अब हम चल रहे हैं बांगी की तरफ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बांगी गए थे और हमने सेक्शन 4, 11 और 14 आपको दिखाया था, आज हम सेक्शन 8 की तरफ जा रहे हैं। आज हम सेक्शन 8 का आपको तमाम तर का विजिट करवाएंगे। ये एरिया है भी बहुत खूबसूरत और यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी शॉप है जहाँ पे हम जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी शॉप पे मिलती हैं। और ये बड़ी कहने के मुश्किल के बाद यहाँ पे एक नई शॉप ओपन हुई है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सहूलत हो गई है। बहुत खूबसूरत है, दरख्तों का खूबसूरत झगमट और बहुत प्यारी लोकेशन है और ज़बरदस्त ग्रीनरी के साथ दिखाया जा रहा है। बहुत ये है, ये है हमारी शॉप, तो यहाँ से अभी हम जाते हैं, देखते हैं यहाँ कौन गए जी खान साहब को। जी खान भाई के पास पहुंच गए हैं। खान भाई कब माशा दो कबाब खान भाई लगा रहे हैं। हाँ जी मुंगस कर रहे हैं जी। ये जी ये हमारा खान भाई अचार मिलेगा। अच्छा जी ये बीफ का होता है जी, बीफ का चपले कबाब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्राइस बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से जो है ना माशाल्लाह। खान भाई आजकल काम कैसा है लॉकडाउन में? बैठ कर तो खा नहीं सकते। बंगोस ठीक चल रहा है? बंगोस ठीक चल रहा है? मैंने काम
लॉकडाउन की वजह से है, बहुत स्लो है ना, वरना माशाल्लाह लॉकडाउन से पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था। हाँ जी, चिकन तंदूरी है, ये तंदूर पड़ा हुआ है, ये नान नान का आटा है, ये देखें मैरिनेट करके रखा हुआ है सारा, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अभी माशाल्लाह रेस्टोरेंट के साथ साथ बहुत सामान भी रखा हुआ है और अभी काफ़ी सारा सामान ख़त्म हो गया है, बहुत सारा सामान मैंने पूछा, खान भाई कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया है क्योंकि वो लॉकडाउन की वजह से केएल नहीं ना जा रहे, तो ये सामान केएल से मिलता है कुआलालंपुर से, तो जैसे ही ये थोड़े से हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह ये जाएंगे कुआलालंपुर और वहाँ से सारा सामान लेके आएंगे, जी सारे मसाला जात हैं, अचार मिलता है, रूह अफजा शरबत है सारा, देखें हमारी पाकिस्तानी तमाम मसनूआत यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें जी बेसन है, ये हमारी सवैयाँ हैं, फेनियाँ हैं और ये अहमद के मसाले हैं सारे, और इधर नेशनल के सारे मसाले हैं, रूह अफजा है, नेशनल के मसाला जाते हैं सारे। वाह वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। चपली कबाब विद एग, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चिकन का सालन माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है, मसाला ज़्यादा था, घी नहीं डाला। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम शरीफ, शरीफ खान जी। शरीफ भाई आप अपना नंबर दीजिएगा। नंबर 01037361822। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह इसको स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, जितने भी हमारे भाई हैं जिनको जो सामान चाहिए होगा खाने पीने का दूसरा सामान वो आपसे रब्ता करेंगे। ठीक है जी खान भाई, थैंक यू वेरी मच। लीजिए अब हमने ऑर्डर दिया है नान का, क्योंकि बेसिकली ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि पेशावरी चपली कबाब और नान स्पेशलिस्ट हैं, तो चूँकि ये एक छोटा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो बहुत सारे पाकिस्तानियों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की कि ये आप छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे मसाला जात हैं, सवैयाँ हैं, फ्योनियाँ हैं और अचार वगैरह हैं, ये चीज़ें भी ऐसे रखें जो कि आलमोस्ट रोज़मर्रा की इस्तेमाल में आती हैं, तो वो भी यानी लोगों की डिमांड पर उन्होंने रखी हैं छोटी छोटी चीज़ें, तो आज काफ़ी सारी चीज़ें वो नहीं मिल सकी हमें क्योंकि वो जा नहीं सके कुआलालंपुर, वरना ये स्पेशल चीज़ें लेने के लिए हमें कुआलालंपुर जाना पड़ता है। तो अब ये हमारे नान लग रहे हैं जी, बस अभी नान तैयार हो जाते हैं तो फिर हम चलते हैं। काफ़ी कुछ सामान हमने लेना था लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म हो गई हैं और मिली नहीं है, तो उन्होंने कहा है जी 2 से 3 दिन में काफ़ी सामान जो है वो आ जाएगा, तो चलें इंशाल्लाह फिर हम चक्कर लगाएंगे और लेंगे
तो आज की वीडियो का यही पे इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। तो इजाज़त दीजिएगा, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।